हेलो गाइस, तो आज फिर एक न्यू मिस्टीरियस वीडियो के साथ लौट आया हूँ और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की डायटी मैरी की। हाँ तो गाइस, आपने बहुत सी किसी कहानियों में इसके बारे में सुना भी होगा और इसके बारे में अलग अलग बातें प्रचलित है, लेकिन मैं आज आपको सबसे विश्वसनीय और स्वीकार तथ्य शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जानिए इंग्लैंड की डायटी मैरी की रियल स्टोरी। हाँ तो गाइस, बात करते हैं सन 1600 की। इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में एक औरत रहती थी जिसका नाम था मैरी वार्थ। देखने में वो बहुत ही कुरूप थी और 18 साल की उम्र में भी वो इतनी कुरूप दिखाई देती थी जैसे कोई 70 साल की बुढ़िया हो। बिखरे हुए बाल, ड्रावनी आंखें, चेहरे पे सलवटें और कुबड़ा हुआ शरीर ये साफ जाहिर करता था। कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था, कोई भी उसके पास से नहीं जाता था, कोई भी उससे नहीं मिलता था। वो गांव के बाहर एक कुटिया में अकेली ही रहती थी। मेरी को यह पता था कि वो एक कुरूप स्त्री है, इसीलिए वो भी किसी को मिलने की कोशिश नहीं करती थी क्योंकि हर कोई उसका मजाक बनाता था। लोगों का यह मानना था कि मेरी एक जादूगरनी थी और वो काला जादू जानती थी, और इसका अंदाज़ा वो इससे लगाते थे कि उसकी कुटिया के आसपास जानवरों के कंकाल मिलते थे, और इसे यह अनुमान लगाया जाता था कि मेरी एक जादूगरनी है जो कि काला जादू जानती है। मेरी के इतने कुरूप होने के कारण मेरी को आइनों से सख्त नफरत थी और इसलिए वो आइनों के सामने कभी नहीं जाती थी। कुछ ही दिनों में उस गांव में कुछ अजीबोगरीब होने लगा। गांव के बच्चे अचानक से गायब होने लगे। गायब होने वाले बच्चों में 13 से 14 साल की बच्चियाँ थीं। वो लड़कियाँ कहाँ गायब हो रही थी किसी को पता नहीं था। पूरे गांव वाले असमंजस में थे, सबको चिंता थी कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों में ये देखा गया कि मेरी अचानक से खूबसूरत होने लगी थी, और कुछ ही दिनों में वो इतनी खूबसूरत हो गई थी जैसे कोई राजकुमारी हो। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बच्चों के गायब होने के पीछे मेरी का ही हाथ था। वो 13 से 14 साल की बच्चियों को बहला फुसला कर अपनी कुटिया में लेकर जाती थी और वहाँ उनकी बलि देती थी जिससे वो खूबसूरत होने लगी। बच्चों के गायब होने का सिलसिला यूं ही जारी था। गांव वाले असमंजस में थे और उधर मेरी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी अपना अधिकांश समय आईने के सामने ही अपनी खूबसूरती को निहारने में निकाल देती थी। एक दिन मेरी एक बच्ची की बलि देते हुए रंगी हाथों पकड़ी गई और गांव वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गांव वालों ने उसको सजा देने की सोची। और एक दिन मेरी को पकड़कर एक चिता में रात को 11 बजे जलाने की तैयारी की गई। गाँव वाले मेरी को पकड़कर लाए और उसको चिता में फेंक दिया। मेरी की मृत्यु होने में 13 मिनट लगे, यानी कि 11 बजे से 13 मिनट बाद 11:13 पर मेरी ने दम तोड़ दिया। मेरी को जब चिता में डाला जा रहा था तो मेरी एक ही बात कह रही थी कि उसको अंत समय में उसका खूबसूरत चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक भी ना सुनी। जब मेरी ने अपना समय करीब देखा तो उसने गाँव वालों को एक श्राप दे दिया कि उसे उसके आईने से दूर किया गया है तो इसका बदला वो ज़रूर लेगी और वो लौट कर ज़रूर आएगी। गांव वाले खुश थे कि उन्होंने मेरी का आंतक ख़त्म कर दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब बच्चे बाहर खेल रहे थे तो उनके पास एक खूबसूरत महिला आई और उसने उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? तो बच्चों ने हाँ कर दी। तो उसने एक बच्चे को आईना थमाया और कहा कि इसमें 3 बार डेल्टी मेरी बोलो। जैसे ही उस बच्चे ने उस खेल को आजमाया और 3 बार डेल्टी मेरी का नाम लिया तो बच्चा एक बूढ़े की भांति हो गया और शाम होते होते उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ये सिलसिला नहीं थमा और डेल्टी मेरी का ये गेम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया और कुछ लोगों ने इसको यूज़ भी किया और अपने अनुभव शेयर किए। और इन्हीं अनुभवों के बीच एक किस्सा जो सबसे
प्रचलित है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टोरी है एमी गॉर्नर की। लंदन में रहने वाली एक गर्ल अपने माता पिता की गैर मौजूदगी में एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी इंजॉय कर रही थी। सभी फ्रेंड्स आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तभी बात करते करते उनका टॉपिक डेल्टी मेरी पर चला गया। उनमें से एक फ्रेंड ने डेल्टी मेरी की पूरी स्टोरी उन्हें बताई। उसके बाद उन सभी फ्रेंड्स ने डेल्टी मेरी का ये गेम खेलने की सोची और उन्होंने यह तय किया कि सभी एक एक करकर बाथरूम में जाएंगे और आईने के सामने जाकर डेल्टी मेरी का 3 बार नाम लेंगे और वापस आकर अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इसके बाद एक एक कर सभी फ्रेंड्स गए और आईने के सामने डेल्टी मेरी का 3 बार नाम पुकारा और वापस आ गए। अब बारी थी एनी की। सभी फ्रेंड्स की तरह एनी भी रूल को फॉलो करते हुए बाथरूम में गई और कैंडल लाइट में आईने के सामने 3 बार डेल्टी मेरी का नाम लिया। उसके फ्रेंड्स बाहर डोर के पास खड़े होकर उसको सुन रहे थे कि तभी एक चीख सुनाई दी। सभी फ्रेंड्स डर गए और उन्होंने एनी के घर वालों को कॉल किया। एनी के घर वाले आए और उन्होंने जब बाथरूम का गेट ओपन किया तो वो सीन देखने लायक था। सभी के होश उड़ गए कि उन्होंने देखा कि बाथरूम में कोई नहीं है और एनी वहाँ से गायब है। कैंडल अभी भी जल रही है और सबसे हैरतंग चीज़ ये थी कि उस बाथरूम में ना ही कोई विंडो थी और ना ही कोई रोशनदान। तो एनी गई कहाँ? ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लंदन पुलिस आज भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी हुई है कि एनी कहाँ गई। लेकिन डेल्टी मेरी का ये गेम फिर भी नहीं रुका। बहुत से लोग आज भी डेल्टी मेरी का यह गेम खेलते हैं और इंटरनेट पर अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो गाइस मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि आप गलती से भी इस गेम को मत खेलिएगा, क्योंकि इसके आपको कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें ना ही करें तो बेहतर रहती है। तो गाइस कैसी लगी आपको डेल्टी मेरी की ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।